नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप किसी लड़की को बेहद पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, या वो लड़कियां जो किसी लड़के को बेहद पसंद करती हैं और चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए लेकिन उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर उन्हें अपनी फैमिली से बात करने में ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप लड़की को साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को अपने वश में कर सकते हैं। और आपकी क्योंकि इंटेंशन यानी कि आपकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है कि आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप अच्छे से अगर करते हैं, सच्चे भावना से, सच्चे मन से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी शादी जरूर हो जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि आपको क्या क्या करना है, तो ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 5 लौंग ले लेनी है। लौंग इस तरह की लेनी है जो कि टूटी हुई ना हो, पूरी जो फुल साइज की लौंग होती है जिसके ऊपर फूल लगा होता है, उस तरह की लौंग आप ले लीजिए। आपके रसोई घर में आपको मिल जाएगी, वहां से आप 5 लौंग ले लीजिए। और आपको ये उपाय रविवार या फिर मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। दिन के किसी भी टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी बैठे हो आप, वहां पर कोई आसपास में ना बैठा हो, कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं, कुछ सवाल किए क्या कर रहे हो। आपको अकेले बैठकर इस उपाय को करना है। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका ये उपाय हो जाएगा, तो आप इसे एकांत में ही कीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, स्वच्छ कपड़े पहन लें नहा धोकर। और उसके बाद दोस्तों, आपको अपने सामने एक कागज रखना है। उस कागज पर आपको लिखना है एक मंत्र। मैं आपको बताती हूँ मंत्र क्या होगा। पहले आप पूरी विधि सुन लीजिए। विधि इस तरह से है कि कागज पर आपको मंत्र लिखना है और मंत्र के ऊपर ही आपको वो 5 लौंग जो है वो रख देनी है। जहां पर आपने लौंग रखी होंगी उसके नीचे की तरफ आपको लिखना होगा उस लड़की का नाम जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। लड़की का नाम वहां पर लिख लीजिए। लड़की के जो खानदान, जो भी उसकी फैमिली के लोग हैं, अगर आपको उनका नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप बस उस लड़की का वहां पे सरनेम लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको ये जो मंत्र आपने जो कागज पर लिखा है ये आपको 108 बार बोलना है। और हर बार जब आप बोलेंगे तो आपको उन 5 लौंग के ऊपर फूंकते जाना है। जी हाँ, कागज को आप अपने हाथ में रख सकते हैं ताकि फूंकने में आसानी हो। कागज के ऊपर ही लौंग को रख के आपको फूंकना है और मंत्र बोलते जाना है। जब आप मंत्र 108 बार बोल लें उसके बाद कागज को आप फोल्ड कर दीजिए। कागज को आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौंग उसके अंदर होनी चाहिए, बाहर गिरनी नहीं चाहिए। 5 लौंग उस कागज के अंदर रख दीजिए। इसके बाद वहां से उठ जाइए और अपने बाथरूम में जाइए। बाथरूम में जाकर आपको इस कागज को लौंग के साथ ही जलाना होगा। दोस्तों, किसी प्लेट में या फिर किसी ऐसे सतह पर इसे रख लीजिए जिससे कि ये पूरी तरह से जलने में आसानी हो। आप इसे जला दीजिए। उसके बाद आपको जो इसकी राख बचेगी लौंग और कागज की, इसे आपको ले जाकर अपने टॉयलेट में डाल देना है, ऊपर से पानी डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कारगर उपाय है ये, जिससे कि वो लड़की और साथ ही साथ उसका पूरा परिवार आपके वश में होगा। जितनी जल्दी हो सके आप उनसे बात कीजिए शादी के लिए और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, जी हाँ, अब आप मंत्र ध्यान से सुन लीजिए कि मंत्र क्या है। मंत्र को आप पहले लिख लीजिए। मंत्र है ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर आपको अमुकम में उस लड़की का नाम जोड़ना है और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। जैसा कि मैंने आपको विधि बताई है उसी विधि के अनुसार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों, और आप यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई और समस्या है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई और समाधान चाहिए आपको, कुछ और पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।